मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में तूने मुझे परोसा है। तू लाख मुश्किलें दे मालिक, मुझे तुझ पे भरोसा है। एक बात तो है कि छीन के खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, और बांट के खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। तो क्या बोलती एफटीसी चैनल देखने वाली पब्लिक? तो आज हम लोग जाने हैं सही, तो जो भी रास्ते में अगर कोई ट्रिप मिलती है हम लोग को तो हम लोग उसे उठा लेंगे। अच्छा, सो हम लोग जाएंगे और रास्ते में कोई अगर ऑर्डर मिला तो हम लोग भी साथ साथ लेते हुए जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। चलिए फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। सो गाइस, जस्ट मुझे एक ऑर्डर आया होटल से। ये कुछ आई थिंक मेरे हिसाब से कैलेंडर है, तो मैंने इसको पिकअप कर लिया हूँ चांदीवली से। ड्रॉप जो है वसई है, तो हम लोग फटाफट निकलेंगे ड्रॉप के लिए वसई लोकेशन पे। और इसका फेयर जो मुझे मिला है 700 रुपीज़ मिला है, जो कि बहुत अच्छा है। फटाफट हम लोग पहुँचते हैं और ड्रॉप करते हैं, और उसके बाद देखेंगे कोई नेक्स्ट ट्रिप का। ये पार्सल लेके मुझे टोटल जो है 60 किलोमीटर दूर जाना है, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं 23 किलोमीटर की दूरी पे। मैं फिलहाल हूँ मीरा रोड वाले टोल नाके पे। तो क्या नाचो मैं? तो फटाफट हम लोग पहुँचेंगे अपने ड्रॉप लोकेशन पे, और उसके बाद में ये ऑर्डर करेंगे क्लोज और वेट करेंगे नेक्स्ट ट्रिप का। तो गाइस, मैं मीरा रोड के आगे आ गया हूँ, बट अभी मुझे ना लोकेशन पता नहीं चल रहा कि कहाँ जा रहा है। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, अपने मैप में चेक कर लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि कैसे कहाँ जाना है। टोटल हम लोग 22 किलोमीटर दूर और बाकी है, 36 मिनट बता रहे हैं। तो फटाफट ये जो है डिस्टेंस को हम लोग कवर करेंगे। आप लोग वेट कीजिए, जैसे ही मैं ट्रिप एंड करता हूँ आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है समरिया। मीरा भयंदर के आगे नायगांव साइड में, तो यहाँ पे मेरे सामने एक स्टूडियो है। आप लोगों ने देखा रहेगा भाभी जी घर पे सीरियल आता है जो कॉमेडी, तो उसी का सेट। देखा आपने, ये स्टूडियो है और इसके अंदर में जो सेट बना हुआ है यहीं पे शूटिंग होती है भाभी जी घर पे की। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया हो, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस। फटाफट एक जूस बना भैया, जूस बना एक। अच्छा, जीरा क्या क्या इसका नाम है, क्या नाम है इसका? गोली सोडा। हाँ बना। गर्मी में गोली सोडा पीने का मजा ही कुछ और है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। फटाफट भैया का पैसा देंगे और निकलते हैं फिर अपने लोकेशन पे। लोकेशन पे पहुंच गया हो, सामान रख दिया हो ड्रॉप लोकेशन पे। फटाफट अभी ये ऑर्डर को करेंगे क्लोज और निकलेंगे फिर नेक्स्ट ट्रिप के लिए। एक जस्ट मुझे एक ऑर्डर आया था, उठाने से पहले ही वो किसी और को दे दिया पोर्टर ने। 500 रुपए का ऑर्डर था वो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कोई बात नहीं गाइस, कभी कभी होता है ऐसा। कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। वेट करते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रिप के लिए। ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज्यादा हो गया है मुझे ड्रॉप देके, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। एक ऑर्डर आया था जो कि कैंसिल हो गया, आपको भी पता है पार्शियलिटी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, धीरे 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 निकलते हैं यहाँ से। कुछ अगर ऑर्डर आता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उठा लिया। पिकअप है अपना 1 किलोमीटर की दूरी पे है पिकअप, 4 मिनट का रास्ता है। फटाफट पहुँचता हूँ इधर, और मैं लोकेशन पे खड़ा हूँ। बस माल देखना है मुझे क्या है, और फिर मैं बताता हूँ। तो ये ऑर्डर आया मुझे, जो कि मैं हूँ वसई में,
और ड्रॉप करना है मुझे थाने लोकेशन, तो फटाफट हम लोग इसको थाने लोकेशन पे ड्रॉप करेंगे और उसके बाद निकलेंगे अपने घर के लिए, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा ऑर्डर मारना नहीं, क्योंकि आज मेरे घर पे है पार्टी। पिकअप मैंने कर लिया हूँ, पता नहीं क्या है ये एक्सल का सरफ के अंदर डब्बे के अंदर कुछ तो भी है, तो हम लोग करते हैं ट्रिप को स्टार्ट और देखेंगे यहाँ से कितना किलोमीटर दूर दिखा रहा है हम लोग को। 25-30 किलोमीटर के आसपास तो रह गई, 37 किलोमीटर की दूरी है, एक घंटा 44 मिनट लगेगा, तो फटाफट हम लोग ये डिस्टेंस कवर करते हैं और निकलते हैं फिर अपने लोकेशन पे। गाइस ये बंदर लोग को देखो ना, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। तो यहाँ पे पीछे उसकी माँ अपने बच्चे को कैसा लेके बैठी और ये खाना खा रहे हैं। सो गाइस मैं ड्रॉप लोकेशन के बहुत करीब हूँ, 14 किलोमीटर की दूरी अभी मेरी बची हुई है, तो अभी लग रही है हम लोगों को भूख, तो हम लोग खाएंगे यहाँ पे चाइनीज, फटाफट खाना खाते फिर निकलते हैं अपने ड्रॉप लोकेशन पे। अपना चाइनीज कैसा भाई? 140 है, हाफ करता है। एक हाफ बना दो ना फटाफट, चिकन फ्राइड राइस। बैठू गाइस, अपना फ्राइड राइस बन रहा है, तो हम लोग 5 मिनट वेट करेंगे। सो गाइस अपना फ्राइड राइस आ गया है, तो फटाफट खाएंगे और फिर निकलेंगे अपने मिशन। अपना हो गया खाना खा के, फटाफट निकलते हैं अपने लोकेशन पे और पहुंचते हैं और सामान दे के ट्रिप को करते हैं कंप्लीट। तो गाइस लोकेशन पे हम लोग पहुंच गए अपनी ट्रिप को लेके, आई थिंक यही है लोकेशन, तो मैं एक बार कस्टमर से बात कर लेता हूँ कहाँ पे आना है, पूछ लेता हूँ एक बार। कॉल नहीं उठाया यार, बिजी होएगा, वापस से एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। लगा रिंगिंग हो रही है। हेलो फ्रेंड, कॉल ही नहीं उठा रहा यार। फटाफट हम क्या करेंगे, जहाँ से हम लोग ने पिकअप किया था उसको कॉल करके बोल देंगे कि आपका जो आया उसका ही कॉल आया। ओह माय गॉड, हेलो, आप ऑटो से बात कर रहा था, आपका डिलीवरी है ना, सामान लेके आया था। गेट पे पूछा मैं आना किधर है, कंपनी के अंदर खड़ा था मैं। तो क्या नाचो मैं? तो देना कहाँ है, मतलब वो आपका नंबर दिया था ना, तो दे दूँ क्या वो जो कंपनी में बोलेगा? ये बोलता है घर पे हूँ मैं, तो मेरे घर पे आएगा क्या? बुलाएगा तो घर पे भी आ जाऊँगा और क्या। कुछ भी ठीक है, वॉचमैन से हम लोग पूछेंगे कहाँ पे देना है और देख के अपनी ट्रिप को कर देंगे क्लोज। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। सो बात हो गई किसको देना है, फटाफट हम लोग गाड़ी को उठाएंगे, आगे है लेफ्ट साइड में गेट है, वहाँ पे जाके दे देंगे और फिर अपनी ट्रिप को कर देंगे क्लोज और निकलेंगे 11 नंबर की बस पकड़ के अपने घर पे। हेलो, हाँ सर, आपका जो ये पिकअप करके मैं ड्रॉप किया हूँ ना थाने में, तो इसका पेमेंट कैसे करोगे आप? ऑटो से तो कर दिया क्या आपने ऑनलाइन? नहीं, आप कर दो पहले पेमेंट, उसके बाद मैं ट्रिप एंड करूँगा ना सर। चल उठा लिया, 169 रुपीज़ दे रहा है। हाँ, पिकअप लोकेशन है और 2.5 किलोमीटर की दूरी पे, वो 7 मिनट का रास्ता है। सो गाइस इसका पिकअप मैंने कर लिया हूँ, क्या पता, आई थिंक इसके अंदर पाना पक्कड़ कुछ है, और 26 मिनट की दूरी है, डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, फटाफट हम उसको पहुँचेंगे।
गाइस ये ट्रिप होती है अपनी कंप्लीट, उसका पैसा हम लोग को मिल गया। तो अपना दिन हो गया है ख़त्म, निकलेंगे अभी अपने घर के लिए ये रास्ते से। चलिए फिर मिलता हूँ घर। सो गाइस हम आ गए अपने घर पे। सो वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है। तो कैसी लगी आपको वीडियो गाइस? हाँ अंगार लाभ, अरे कहना क्या चाहते हो, अंगार आफत, आतंक, मौज, जहर, जख्म, जो भी लगे मेरा भाई लाइक शेयर कमेंट करके बता देना। और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिया रहेगा रेड कलर का, उसे भी दबा देना। फिर मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी सी ढांसू वीडियो के साथ में। जब तक के लिए देखते रहिए FTC चैनल। और हाँ दुआ में याद रखना और मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। एंड ऑलवेज स्टे एक नंबर। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।